सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के मजबूरी का मजाक न बनाओ दोस्तों। जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता। कुछ दिन बात ना करें तो बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। आज का पंचांग 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात्रि 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:59 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगी उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगी। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। पिछले समय से रुके हुए और अटके काम पूरा करने का उत्तम समय है। चतुराई और विवेक से काम लेना इस स्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आपकी टीम आपके साथ काम करना पसंद करती है, उनके साथ डिप्लोमेटिक रहें। उन लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग अपने लिए कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अपनी पूंजी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। अगर किसी रोजगार स्कीम के तहत कुछ काम करना चाहते हैं तो आज आवेदन करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। सावधानियां, रुपए पैसे के मामलों में किसी पर अधिक भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना गलत साबित हो सकती है इसलिए उस पर पुनः विचार अवश्य करें। अगर घूमना फिरना स्थगित ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन अपने रिश्तों की खट्टास और करवाहट को कम और सही करने का है, लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी आपका मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। पति पत्नी के संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रह सकती है परंतु आप बेहतर तालमेल बिठाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगी। करियर की बात करें तो आज के कार्य क्षेत्र के सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे। आज आपको पदोन्नति का संदेह मिल सकता है या नौकरी क्षेत्र में बदलाव के भी आसार हैं। इसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आपको ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो कि आपको प्रसन्नता से अभिभूत कर सकती है। आपको ऐसी जगह से भी सहायता जिसके आपने कभी सहायता नहीं की हो। व्यवसाय में स्थितियां बेहतर रहेगी, उसमें हल्की फुल्की परेशानी भी आ सकती है परंतु वह ठीक हो जाएगा। सेहत की बात करें तो जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रही हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं।
नहीं तो आपने अपने फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएगी। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस लाने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। या आप जिम नहीं जा रहे हैं तो व्यायाम घर पर ही कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप तांबा केसर, कस्तूरी और गेहूं का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।